मैं हूँ आपके साथ वर्षा वर्मा। बात करते हैं ग्राउंड जीरो में बलरामपुर की। यूपी के बलरामपुर में बाढ़ की तबाही के बाद आज बच्चों में उल्टी, बुखार, डायरिया जैसे मरीजों में इजाफा होता चला जा रहा है। लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं और जगह जगह जल भराव के कारण मच्छरों के पनपने का अन्य संक्रमण बीमारियां भी फैल रही है, जिसके कारण दो बच्चों की मौत हो गई थी। उसी परिवार में दो बच्चे और बीमार मिले हैं। ये तस्वीरें बलरामपुर के एक गांव रामगढ़ मैटवा की है। स्वास्थ्य विभाग की चरमराती व्यवस्था की है। सत्ता में बैठे हुक्मरानों को तमाचा जड़ रही है तस्वीरें। आपके सामने व्यवस्था है प्रदेश में योगी सरकार की, करनी और कथनी को साफ सामने रख रही है। बलरामपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी तरीके से बदहाल हो चुकी है और जब सवाल किए जाते हैं तो जवाब देने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद कहा जाता है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। साफ देखा जा सकता है किस तरीके से तैयारी की गई थी और अब बीमारी फैल चुकी है। तैयारियां भी पहले से करनी चाहिए थी, लेकिन अधिकारियों की क्या बात की जाए, अधिकारी सोए हुए हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बलरामपुर से हमारे सहयोगी शीतला प्रसाद मिश्र जुड़ चुके हैं। शीतला प्रसाद, दो दिन पूर्व दो बच्चों की मौत हुई थी, उसी परिवार में दो और बच्चे बीमार हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? काफी बदल हुआ है। बाद में नेपाल सीमा से बचे हुए गाँव जहाँ नेपाल की दूरी पे है, वहाँ पानी भरा हुआ है। शीतला प्रसाद मिश्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ग्राम वासियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर ने बताया कि दूषित पानी के पीने से वो खुले में शौच जाने से संक्रमित बीमारियों के फैलने की प्रबल संभावना रहती है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।